ये सबसे पहले तो हमारे इतने बड़े नेता बरेली आ रहे हैं, उसको लेकर उत्साह बहुत ज़्यादा है और कार्यकर्ताओं में, संगठन में सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। रही बात भाई साहब अमित शाह जी का आने का, जो हमारा प्रयोजन है हमारे इस बरेली में एक यात्रा है जो हमारे पूरे मथुरा से स्टार्ट हुई थी, जो कि 6 यात्राएं निकाली गई थी, उसका एक ब्रज क्षेत्र की यात्रा जो प्रारंभ मथुरा से हुई थी, उस यात्रा का समापन बरेली में होगा। ये अत्यंत गर्व की बात है बरेली के लिए कि इतनी बड़ी रैली का आयोजन बरेली में समापन से हो रहा है, जिसमें कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी व हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी बरेली रहेंगे। कार्यकर्ताओं बहुत उत्साह है, इसके लिए हमने एक रूट मैप पूरा तैयार किया है, जो कि झुमका चौराहा से यात्रा का प्रारंभ होगा और जो किला की तरफ आते हुए कुतुब खाना चौराहा से होते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाला जो चौराहा है वहाँ से आपका युकना चौराहा और चौकी चौराहे के बाद उसका मिशन पर इसका समापन होगा। इसके लिए हम लोग एक बहुत बड़ी भीड़ जुटने की तैयारी में हैं, जिसके क्योंकि कार्यकर्ताओं उत्साह है, कार्यकर्ताओं से हम खुद भी कह रहे हैं, निवेदन किया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता खुद इतने उत्साहित है कि खुद इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हर जगह जगह इस रैली का स्वागत किया जाएगा, व्यापारी इसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं, व्यापार मंडल इसके लिए लगे हुए हैं, संगठन लगा हुआ है, सभी लोग इस रैली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम को ये 4 बजे बरेली पहुंचेगी यात्रा। इस यात्रा का 4 बजे पहुंचने के बाद में विभिन्न मार्गों से होते हुए, जो ऐसा मैंने आपको मार्ग अभी बताए हैं, यहाँ से होते हुए इसका समापन उसी दिन शाम को करीब 9 बजे के आसपास। देखिए इसके लिए 31 तारीख को चूंकि एक अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल का आगमन भी उस रात में होना है, और इस वजह से हमने और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि वो ट्रैफिक किसी को किसी तरह से अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। कुछ डाइवर्जन्स प्रशासन द्वारा हमने तय करवाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन इसको खूब बारीकी से खुद भी देख रहा है, क्योंकि सरकार का कार्यक्रम है इसलिए और ज़्यादा बारीकी से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, किसी टाइप से भी किसी भी जनता को परेशानी ना हो इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए इस रैली को निकाला जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी इसके लिए पुलिस फोर्स लगेगी, सभी चीज़ें देखने वाली है, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, हमारी प्राथमिकता है बिना अव्यवस्था के एक व्यवस्थित और अनुशासित, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बहुत अनुशासित कहा जाता है, अनुशासन के साथ इस रैली को निकाला जाएगा। निश्चित तौर से उनके पास में जादू की पुड़िया तो है ही, वो कुछ ना कुछ अगर कहते हैं तो इस बात के पीछे बहुत तार्किक बात होती है, और पूरा संगठन आप देख रहे हैं इस समय उसका अनुपालन भी कर रहा है, उसका परिणाम है कि केंद्र में भी और प्रदेश में भी और देश में कई स्टेटों में हमारी सरकार है। निश्चित तौर से वो ऐसा मंत्र जरूर देंगे जिससे कि जो सरकार हमारी मजबूती के साथ बने, हमारी सीटें बढ़े और साथ में बरेली की 9 विधानसभा हम विजय। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।